दोस्तों अगर आप भी धवन को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आखिरकार जीत के बाद धवन ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों के पास जाकर क्या कहा था कि वो उन्हें सलाम करने लगे, उसका खुलासा उन्होंने खुद कर दिया है और ये सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या धवन एक बेहतरीन कप्तान है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिरकार धवन और द्रविड़ ने कैसे हार कर भी सबको जीत लिया वो तो आपको दिखाएंगे ही, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ में कौन एक बेहतर कोच है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका का दौरा समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने दोनों ही सीरीज का आगाज अपनी जीत के साथ किया था। हाँ वो बात अलग है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने ओडीआई सीरीज में जीत हासिल करी, लेकिन टी20 सीरीज को हार गई। आपको बता दें कि तीसरे टी20 मैच तक आने का सफर भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस व खुद टीम के लिए बहुत ही ज्यादा दुखद रहा। दूसरे टी20 मैच से पहले ही भारतीय क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी के कोविड पॉजिटिव होने की वजह से आधे खिलाड़ियों को टीम से बाहर बैठना पड़ा, जिसका नतीजा दूसरे टी20 मैच में हार बना। हालांकि दूसरे टी20 मैच में खिलाड़ियों ने फाइट बैक तो किया, लेकिन तीसरे टी20 मैच में तो दशा और भी ज्यादा बिगड़ गई। दोस्तों टॉस जीतने के बाद धवन जीरो पर आउट हो गए, पड़ीकल और गायकवाड़ कुछ नहीं कर सके, सैमसन भी शून्य पर चलते बने, नीतीश राणा के हाथ में बल्लेबाजी का मौका आया तो 6 रन पर आउट हो गए। कुल मिलाकर भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ गई और हमारी टीम मात्र 81 रन पर पहुंच पाई, वो भी जब कुलदीप यादव और भुवनेश्वर कुमार की पार्टनरशिप बन पाई। इसके जवाब में दोस्तों श्रीलंकाई टीम बड़ी शान से मैदान पर उतरी, किसी भी खिलाड़ी ने ज्यादा कुछ विकेट नहीं लिए, केवल राहुल चहर को छोड़कर। राहुल चहर के नाम 3 विकेट रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि श्रीलंकाई टीम की तरफ से मैदान में आकर हसरंगा और डिसिल्वा ने मैच को खत्म कर दिया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बावजूद धवन ने बीच मैदान में कुछ ऐसा किया था कि जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीता है। हमारी भारतीय क्रिकेट टीम तो हार गई, लेकिन धवन ने सभी श्रीलंकाई टीम के खिलाड़ियों को कप्तानी व खेलने के टिप्स दिए। आप तस्वीरें देखकर धवन की महानता का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आखिरकार अब धवन ने खुद ही खुलासा कर दिया है कि आखिरकार वो श्रीलंकाई टीम को क्या टिप्स दे रहे थे और आखिरकार क्यों। तो वजह जानने के बाद आप भी धवन को सलाम करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि धवन ने अपने बयान में इस बारे में बातचीत करते हुए कहा कि ये वाकई में एक लाजवाब दौरा था, एक खिलाड़ी के बाद एक कप्तान बनने का अनुभव वाकई में मेरे करियर को एक नई एनर्जी देगा। भारतीय खिलाड़ियों के साथ खेलकर अच्छा महसूस हुआ, खासतौर पर युवा खिलाड़ियों के साथ, उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला और मुझे भी। भले ही आज हम टी20 सीरीज को ना जीत पाए हों, लेकिन इस दौरे से जुड़ी कई यादें रह चुकी हैं। ओडीआई सीरीज में हमारी जीत हमारे अव्वल प्रदर्शन की वजह से हुई। ऐसी बात नहीं कि टी20 सीरीज को जीतने के लिए सबने प्रयास नहीं किया, बस श्रीलंका की टीम हमसे बेहतर रही। ये पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर ये सभी युवा खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए और भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जब धवन से पूछा गया कि आखिरकार मैच खत्म होने के बाद आप श्रीलंकाई खिलाड़ियों को क्या कह रहे थे, तो हंसकर जवाब देते हुए धवन ने कहा कि भारतीय टीम में जिस तरीके से युवा खिलाड़ी मौजूद हैं, उसी तरीके से श्रीलंकाई टीम में भी, और हम सभी चाहे भले अलग अलग देशों की तरफ से खेलते हों, लेकिन हैं तो हम खिलाड़ी ही। ऐसे में अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि सभी युवा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा दे सकूं, फिर वो चाहे श्रीलंकाई टीम के खिलाड़ी हों या फिर दुनिया में किसी और कोने के क्यों ना हों। लेकिन श्रीलंकाई खिलाड़ियों में एक बात यह अच्छी है कि वो मुझे ध्यान से सुनते हैं, उनके साथ खेलकर वाकई में बहुत ही मजा आया, उम्मीद है कि वो भी आगे चलकर बहुत कुछ अचीव करेंगे। दोस्तों धवन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि हार के बाद भी खुश नजर आए, बल्कि विरोधी टीम के खिलाड़ियों को भी सिखाने लगे। ये अपने आप में ही दर्शाता है कि धवन कितने महान इंसान हैं। लेकिन धवन की इसी हरकत पर आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।